गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटेड भारत। दोस्तों, आज है 16th of March, डे है सैटरडे, और आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बनेरघट्टा नेशनल पार्क चर्चित रहा, यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर है सी, कर्नाटक। बनेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है, और ये क्यों चर्चा में रहा, अब ये जानने वाली बात है। तो ये अपने इको सेंसिटिव जोन के कारण चर्चा में रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई थी तो इसमें जो बनेरघट्टा नेशनल पार्क है उसका इको सेंसिटिव जोन, मतलब कि पर्यावरण संवेदनशील एरिया आया था 268.9। इको सेंसिटिव जोन का जो एरिया था वो 268.9 आया था, और जो हाल ही में अभी रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की, तो उसमें बनेरघट्टा नेशनल पार्क का जो एरिया आया है वो आया है 168.84 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पूरा 100 स्क्वायर किलोमीटर वो घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। तो हमें याद रखना है बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस लिए फेमस रहा है, तो इको सेंसिटिव जोन के कारण, और कहां स्थित है, तो यह स्थित है कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस बैंक को निजी बैंक की श्रेणी में डाल दिया है? पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक या देना बैंक? तो इसका सही उत्तर है सी, आईडीबीआई बैंक को रिजर्व बैंक ने निजी बैंक की श्रेणी में डाल दिया है। अब आईडीआई बैंक को क्यों डाला गया है, क्योंकि आपको थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ मिली थी कि एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक में कुछ शेयर्स खरीद लिए, 51% के शेयर्स खरीद लिए हैं, जिस कारण आरबीआई ने ये फैसला लिया है कि आईडीबीआई बैंक को निजी बैंक या प्राइवेट बैंक बना दिया जाए। अब यहाँ पे जानने वाली बात है दोस्तों कि आईडीआई बैंक का की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और जो इसके करेंट एमडी या सीईओ हैं वो है राकेश शर्मा। तो इतना आपको याद रखना है आईडीबीआई बैंक के बारे में। अब इसे किसने, रिजर्व बैंक ने, मतलब आरबीआई ने इसे निजी क्षेत्र में डाला या निजी बैंक की श्रेणी में डाला है, तो हमें आरबीआई के बारे में भी जान लेना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके जो करंट गवर्नर हैं, जो 25th गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया? HPCL, IOC, MTNL या NTPC? तो इसका सही उत्तर है डी, NTPC। हाल ही में भारतीय रेलवे ने NTPC के साथ समझौता किया है। NTPC क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC के सुपर थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले जो फ्लाई ऐश होते हैं अब उनका यूज़ करेगा रेलवे, इसीलिए रेलवे ने NTPC के साथ समझौता किया है। यहाँ पे NTPC को एक बार फिर जान लेते हैं। NTPC का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इतना आपको याद रखना है NTPC के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है सी, कर्नाटक। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो इंदौर के, इसका फाइनल कहाँ खेला गया, इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। तो महाराष्ट्र को हरा कर कर्नाटक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है, तो कर्नाटक ने इसे जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे जीवन बीमा निगम LIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? हेमंत भार्गव, MR कुमार, पवन देशमुख या सुशील कुमार? तो इसका सही उत्तर है बी, MR कुमार को केंद्र सरकार ने जीवन बीमा निगम या LIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। यहाँ पे LIC को जान लेते हैं। जीवन बीमा निगम
जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। तो इतना हमें याद रखना है LIC के बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अदालत कोलंबिया सर्किट कोर्ट में जज के रूप में चुना गया? नियोमी राव, नाओमी ओसाका, इंदिरा नुई या किरण देसाई? तो इसका सही उत्तर है नियोमी राव, ए नियोमी राव को। ये भारतीय मूल की महिला है, इन्हें अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अदालत कोलंबिया सर्किट कोर्ट में जज के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मर्चर क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार विश्व का कौन सा शहर रहने के लिए सबसे उपयुक्त है? वियना, जिनेवा, मुनिच या बेसल? तो इसका सही उत्तर है ए वियना। वियना का जो हाल ही में रिपोर्ट आई है मर्चर क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे, उसके अनुसार वियना रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर है। विश्व का लिविंग के मामले में अगर कोई शहर सबसे आगे है तो वो कौन सा है? वियना। वियना का के बारे में जान लेते हैं, तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना और ऑस्ट्रिया की जो करेंसी है वो है यूरो, इतना आपको याद रखना है। अब इसके साथ ही इंडिया के भी कुछ शहर हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। टोटल यहाँ पे 231 शहर को रखा गया है, 231 कंट्रीज शहरों को रखा गया है। उन शहरों में कुछ भारत के भी शहर हैं जैसे चेन्नई, बेंगलोर एंड मुंबई। तो इन्हें कौन कौन सी रैंक मिली है 231 में से, वो देख लेते हैं। चेन्नई को मिली है 105 रैंक, बेंगलोर को मिली है 149 149वीं रैंक, मुंबई को मिली है 154 154वीं रैंक 231 में से। ये तीनों को रैंकिंग दी गई है, लेकिन फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, फर्स्ट नंबर पर है मर्चर क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या 16 मार्च? तो इसका सही उत्तर है सी 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस या वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है, और इसे सबसे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने 1962 में इसे स्टार्ट करने की बात कही थी और तभी से ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। और ये एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि इस बार जो कंज्यूमर डे बनाया गया है, कंज्यूमर राइट्स डे, उसका थीम क्या रखा गया था? क्योंकि थीम पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इस बार के वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की थीम थी ट्रस्टेड स्मार्ट्स प्रोडक्ट। ट्रस्टेड स्मार्ट्स प्रोडक्ट इस बार की थीम थी, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और अफ्रीकी देशों के बीच 18 मार्च से एफिंडक्स 19 संयुक्त युद्ध अभ्यास किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? ये मॉरिशियस, कोहिमा, पुणे या बेंगलुरु? तो इसका सही उत्तर है सी पुणे। पुणे में भारतीय सेना और अफ्रीकी देशों के बीच क्या किया जाएगा? संयुक्त युद्ध अभ्यास किया जाएगा, पुणे में स्टार्ट होगा। जो एफिंडिक्स में जो AF है वो अफ्रीका को शो करता है, IND इंडिया को शो करता है और EX शो करता है एक्सरसाइज को, तो ये आप आसानी से नाम से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? पद्मावन, गोपालन, कृष्णमूर्ति नगर, अरविंद गोखले या देवेंद्र मेहता? तो इसका सही उत्तर है पद्मावन गोपालन, ए पद्मावन गोपालन को एशियाई क्षेत्र में राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया। इन्हें क्यों चुना गया? इनका एक इनिशिएटिव है नो फूड वेस्ट इनका इनिशिएटिव है कि जहाँ भी खाना बच जाता है वहाँ से खाना लेकर ये जो भूखे लोग रहते हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है उन तक ये खाने को पहुँचाते हैं, मतलब बिल्कुल भी खाने को वेस्ट नहीं होने देते, जिन्हें ज़रूरत है उन तक खाने को पहुँचाने का काम करने का एक इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया है नो फूड वेस्ट। इसी के कारण इन्हें राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, तो पद्मावन गोपालन का नाम ज़रूर याद रखिए। चलिए अब देख लेते हैं कल का उत्तर। कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में मदर टेरेसा की जीवनी पर बनी फिल्म का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है बी मदर टेरेसा द संत, जो मदर टेरेसा की जीवनी पर बनी फिल्म है। इसका बहुत अच्छा आंसर दिया है कृष्णा प्रताप ने, बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है मदर टेरेसा के बारे में भी और सही उत्तर भी दिया है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आज का सवाल,
आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैसे मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए पारित विधेयक पर किस देश ने वीटो पावर का उपयोग किया, भारत, अमेरिका, चीन या जापान? आपको इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों, और इसे अच्छी तरह डिफाइन करना है कि क्या हुआ था, कितनी बार चाइना इस पर रोक लगा चुका है, ये सब आपको लिखना है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।